पिछले 12 सालों से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का सिलसिला लगातार जारी। कोरोना वर्ष को छोड़कर रीवा विधायक पूर्व मंत्री से इनाम पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह इकरा का पूर्व मंत्री ने बच्चों को दिया पुरस्कार। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खिले। लगातार 12 सालों से जारी है यह कार्यक्रम। पिछले 12 साल से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का सिलसिला लगातार जारी। कोरोना वर्ष को छोड़कर रीवा विधायक पूर्व मंत्री से इनाम पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इकरा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुस्लिम समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का काम किया पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने। मौका था इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 12वां इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह। रीवा में मुस्लिम समाज के होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान समारोह पिछले 12 सालों से आयोजित किया जा रहा है। इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज के छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन करती है। हालांकि कोरोना काल के चलते 2 सालों से यह आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रीवा विधायक ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह मौजूद रहे। रीवा शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में 2021-22 की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कुल 247 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इन छात्रों में कक्षा 9वीं में 94.8% अंक लेकर कैटरीना सौदागर को आयाज मेमोरियल अवार्ड, कक्षा 10वीं में 97% अंक लाने वाली लिनारा खान को आयाज मेमोरियल अवार्ड, कक्षा 11वीं में 90.8% अंक लाने वाली सानिया अतीक को मैक्स सॉफ्ट अवार्ड, कक्षा 12वीं 94% अंक लाने वाली फलक मंसूरी को आयाज मेमोरियल अवार्ड, ग्रेजुएशन में 95.6% अंक लाने वाली जोया बेगम को अब्दुल अहद मेमोरियल अवार्ड और पोस्ट ग्रेजुएशन में 85.8% अंक लाने वाली मुमताज जहां काजी को हाजी मोहम्मद सफीक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में पुरस्कार पाकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखे। पूरे छात्र छात्राओं पर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से नंबर 1 पर छात्राएं ही नजर आईं। माना जा सकता है इस बार छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर तरीके से परीक्षा दी थी, बेहतर परीक्षा परिणाम लाया, छात्राओं ने बाजी मारी। इस बारे में हमने आयोजक रहीमुद्दीन सिद्दीकी, सचिव इकरा सोशल सोसाइटी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ज्योति सिंह से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। हमारा इकरा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का 12वां वर्ष है। निरंतर हम प्रति वर्ष मुस्लिम समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे शैक्षणिक योग्यता में उच्च अंक प्राप्त करते हैं उनका प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्रदान करके और उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो पिछले 2019 के बाद हमारा ये 2 साल का आकस्मिक रूप से कोविड के कारण से नहीं हो पाया था, इस बार हमने निरंतर प्रारंभ किया है और इस साल हम 247 बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे गेट में और नेट में भी एग्ज़ाम में टॉपर आए हैं और उनको मेडिकल कॉलेज और IIT में एडमिशन प्राप्त हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को निरंतर रखा जाए, क्योंकि इससे जो मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है वो मोटिवेशन निस्संदेह हमारे समाज के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है और इस शिक्षा के जागरूकता के पैदा होने से वो अपने लिए एक आजीविका के नए नए साधन विकल्प के रूप में उनके पास उपलब्ध होते हैं और वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं। हमारी इकरा सोसाइटी में सम्मानित होने वाले करीब 15 छात्र ऐसे हैं जो पहले हमारे यहाँ संस्थाओं में प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्राप्त करके आज विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रीवा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहने चाहते हैं और इससे मोटिवेशन जो प्राप्त होगा उससे हमारे समाज में शिक्षा की जो गति रुकी सी थी वो उसमें गति प्राप्त। इस बार 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों ने टॉप किया है। इस बार ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पुरुषों में की अपेक्षा बच्चियों ने या छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है और सारे इनाम जो हमारे टॉपर की शील्ड और इनाम है वो सारे के सारे इनाम हमारी बच्चियों ने प्राप्त किए हैं
लेकिन बच्चों ने प्राप्त किए हैं उससे भी हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि अगर एक बच्ची अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को आगे बढ़ने की एक ताकत मिलती है कि कोई छात्र या छात्रा ही अपने परिवार में आगे चल के शिक्षा का प्रसार प्रसार करे।